पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज हम निकले हैं जनता के बीच में। कैसा मेयर का कैंडिडेट आप चाहते हैं? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कितना विकास हुआ, किस तरह क्या काम कर रही है? कहीं भी जाओ, कितने पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, पेरिफेरल हाईवे बन गए हैं। आप किस तरह का काम करना पसंद करेंगे? अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं पार्टी के सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में नगर निगम के जो चुनाव हैं और नगर निकाय के जो चुनाव हैं उन्हीं को लेकर लगातार तैयारी चल रही है। और आज हम निकले हैं जनता के बीच में और प्रबुद्ध जनों से जानने के लिए कि आखिरकार जो महापौर मुरादाबाद का जो पद है, ऐसी स्थिति में महापौर के पद पर आखिरकार क्या खूबियां होनी चाहिए और कैसा कैंडिडेट आखिरकार फील्ड में आना चाहिए। तो उसी पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक गोयल जी से, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या खूबियां आप अपने मेयर में चाहते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई। सबसे मैं जानना चाहूँगा कि कैसा मेयर का कैंडिडेट आप चाहते हैं? अंकित भाई, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से मुरादाबाद की जनता को से शेयर कर सकूँ, मुरादाबाद की जनता को अपने विचार, जनता के सामने अपने विचार रख सकूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही एक नारे के साथ चली है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम इसी उम्मीद से आगे बढ़ते हैं और इसी एजेंडे पे काम करते हैं और यही चाहेंगे कि मुरादाबाद को फिर से एक ऐसा मेयर मिलना चाहिए जो कि निष्ठावान हो, अपने काम में ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, मुरादाबाद की जनता का ध्यान रखे, मुरादाबाद की जनता का ध्यान रख के ही विकास का कार्य आगे बढ़ाए। यही हमारी पार्टी का उद्देश्य भी है और यही एक मेयर का भी उद्देश्य होना चाहिए कि जनता की किसी भी परेशानी को, किसी भी दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझ के उसको पूरा करने का कोशिश करें। लगातार देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट निकल कर सामने आ जाते हैं, देखा भी जाता है कि बहुत सारे दावेदार सामने निकल कर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरह का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट को चुनती हैं? सही, देखिए, पार्टी हमेशा यही चाहेगी कि उसका जो भी कैंडिडेट हो वो सबसे अच्छा हो। अपनी पार्टी में भी पार्टी यही कोशिश करती है कि सबसे उत्तम चीज़ लेके आए और भारतीय जनता पार्टी की भी हमेशा शुरू से कोशिश रहती है कि एक ऐसा कैंडिडेट लेके आए जो जनता के बीच का हो, जनता के साथ का हो, जनता के साथ उठे बैठे खाए पिए, जिससे कि जनता की दुख दर्द को वो समझ सके और जनता की सारी परेशानियों को बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल सच स्वभाव से उसको दूर कर सके। और यही भारतीय जनता पार्टी का शुरू से उद्देश्य रहा है कि जनता के बीच में रहे और सारी परेशानियों को जनता की दूर कर सके। आजकल देखने को आता है कि क्योंकि और भी पार्टियों के कैंडिडेट हैं, आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि अभी मुरादाबाद में या आसपास में कितना विकास हुआ, किस तरह क्या काम कर रही है? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, या आप सभी जानते हैं कि पिछले 2017 से जब महाराज जी, योगी जी जब ने जब कमान संभाली है उत्तर प्रदेश की, तो आप भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास किस गुना बड़ा है। आप देखो, आप कहीं भी जाओ, कितने पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, पेरिफेरल हाईवे बन गए हैं। पहले दिल्ली जाना कितना मुश्किल होता था, अब आप दिल्ली 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाते हो। तो विकास तो जो जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना हो रहा है। विकास के साथ साथ आप देखो, क्राइम रेट देखो आप पूरे उत्तर प्रदेश का, कि क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। और जो भी कोई कोशिश करता है, मतलब क्रिमिनल भी अब ये सोचता है कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम करूं या नहीं करूं, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरी आखिरी जगह सलाखों के पीछे ही है। तो उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की ओर है, उत्तम प्रदेश बन चुका है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये प्रदेश इसी तरह से योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे, चलता रहे और बुलंदियों पे पहुंचता रहे। क्योंकि आप प्रबुद्ध हैं और मुरादाबाद में एक अच्छा मुकाम है आपका खुद का, और क्योंकि अब अधिसूचना जारी हो गई, अब पार्टियों के प्रत्याशी सामने आएंगे और सभी तरह का चुनाव होगा, तो क्या कहेंगे जनता से और किस तरह का कैंडिडेट आप चुनना पसंद करेंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि कैंडिडेट जनता के बीच का होना चाहिए, जनता वासियों से, मुरादाबाद नगर वासियों से, महानगर वासियों से भी मैं यही अपील करूंगा कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें, धैर्य से सब चीज़ों को सोच के समझ के अपना अमूल्य वोट जरूर डालें। ये हमारी, ये भी एक
लोकतंत्र का त्यौहार है, मेयर मुरादाबाद का प्रथम नागरिक होता है, मेयर एक बहुत बड़ी गरिमा है मेयर के पद की। तो मुरादाबाद की जनता से मैं ये अपील करूँगा कि वो समय कहीं घूमने फिरने में ना लगाएं, उस दिन को अपना अमूल्य वोट जरूर डालें और मुरादाबाद को एक बहुत अच्छा महापौर दें। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर बहुत सारे लोग हैं मुरादाबाद में भी, अगर पार्टी ने आप क्योंकि भाजपा से जुड़े हुए हैं और पार्टी ने अगर एक मन अगर पार्टी आप पर बनाती है तो आप किस तरह का काम करना पसंद करेंगे, किस तरह से काम कर सकते हैं, या जाना देखिए ऐसा इस बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं कहता हूँ अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से मैं अपना कर्तव्यों का पालन करूँगा। बाकी ये सब चीज़ें कहने में नहीं करने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं पूर्ण रूप से पार्टी को ये सारे मतलब एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विवेक गोयल जी, जिनका कहना सीधे तौर पर यह है कि अगर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया तो वो सीधे तौर पर जनता की सेवा करेंगे, और लेकिन उससे पहले भी, क्योंकि एक आम नागरिक होने के नाते उनकी एक पहली पसंद ये है कि जो उनका प्रत्याशी हो ईमानदार हो, कर्मठ हो और जुझारू हो। अब देखना होगा कि भाजपा या फिर अन्य पार्टियों के नेता किस तरह का कैंडिडेट जनता के बीच लेकर आते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।